जाओ ना भैया, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। इस बार की इंटर स्कूल प्रतियोगिता के लिए तैयारी करते हैं। प्रैक्टिस और मैं? तुम पिछले साल के बास्केटबॉल चैंपियन से बात कर रही हो पिंकी? इतना कमेंट ठीक नहीं है भैया। लास्ट टाइम आपने सबसे ज्यादा गोल किए थे क्योंकि पापा ने आपको जमकर प्रैक्टिस कराई थी। पिंकी तुम करो ना प्रैक्टिस, मैं तो मौसम के मजे लूंगा। पिंकी अकेले ही बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने चली जाती है। कई बार वो बॉल को बास्केट में डाल पाती है और कई बार नहीं। और ये गई बॉल कार के शीशे पर। अब पिंकी की डांट लगेगी। एक बार फिर पिंकी कोशिश करती है और इस बार बॉल पिंकी के सर पर ही गिर जाती है। ऐसा लगता है कि प्लेयर को हेलमेट की जरूरत है। अगर हेलमेट नहीं लगाया तो डॉक्टर की जरूरत भी पड़ सकती है। पिंकी एक बार फिर कोशिश करती है लेकिन बॉल बीच में ही गिर जाती है। और अब इस आखिरी कोशिश के बाद तुमसे न हो पाएगा। आ जाओ मेरे साथ, मौसम का मजा लो। पिंकी राजू को नजरअंदाज कर देती है और प्रैक्टिस करती रहती है। राजू, राजू, क्या हुआ पापा? राजू मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम तो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। पापा आप भी कमाल करते हो, पिछले साल का चैंपियन हूँ मैं, इस बार भी जलवा दिखाऊंगा फील्ड पे। पर बेटा मैच के लिए बस 6 दिन ही बाकी है, तुमने तो 2 महीने से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की है। पिंकी थोड़ी हूँ मैं, मास्टर हूँ इस खेल का, कर लूंगा माँ। अब आप मुझे म्यूजिक सुनने दो। राजू मम्मी की बात अनसुनी कर देता है और वापस हेडफोन पर गाने सुनने लगता है। मम्मी पापा को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ कहते नहीं है। मैच के दिन राजू बहुत कोशिश करने के बाद भी गोल नहीं कर पाता, लेकिन पिंकी अपनी टीम के लिए 3 गोल करती है और पिंकी की टीम जीत जाती है। हुर्रे! मेरी मेहनत रंग लाई। अरे वाह पिंकी, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। मामा, मामा मैं वो हर स्ट्रेटेजी का यूज कर सकी जो मैंने 2 महीने से प्रैक्टिस की थी। अब मैं और प्रैक्टिस करूंगी और अगले साल भी मेरी टीम ही जीतेगी। पिंकी अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करती रही तो अगले साल भी तुम्हारी टीम ही जीतेगी। लेकिन हमारे पिछले साल के चैंपियन राजू को क्या हुआ, मुंह क्यों लटका है? आज मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाया। आज मैं इतनी बुरी तरह से खेला कि मुझे ही शर्म आई। पर तुम तो कह रहे थे कि पिछले साल की तरह इस साल भी तुम चैंपियन कहलाओगे। कहाँ का चैंपियन पापा, यहाँ तो बॉल जैसे मेरी दुश्मन हो गई थी, हाथ से कब कैसे फिसल रही थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बेटा प्रॉब्लम बॉल में नहीं थी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ना करने की थी। बेटा जिंदगी में कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस, मेहनत और डिटरमिनेशन के नहीं मिलती है। पिछले साल की जीत से तुम्हें लगा इस बार बिना मेहनत की ये सब अच्छे से हो जाएगा। ये तो मैं समझ चुका हूँ पापा, पिंकी को 2 महीने पहले बॉल पकड़नी भी नहीं आती थी और आज वो चैंपियन की तरह खेली। तो इससे तुमने क्या सीखा? यही सीखा पापा कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है और ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। पिंकी का गेम सेलिब्रेट करने के लिए और राजू का मूड ठीक करने के लिए आज पापा सभी को डिनर करने के लिए बाहर ले जाते हैं।